हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट एंड द चैप्टर इज अमांडा बाय रॉबिन क्लेन। सो फर्स्ट गोइंग विद इन थ्रू द चैप्टर एंड एक्सप्लेनिंग द स्टैंजा, लेट अस गो थ्रू फर्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पोएट्री। इस पोएट्री के इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं। द पोएट हैज एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल अमांडा हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट by her mother for making mistakes। ये कविता, ये पोइट्री रॉबिन क्लेन ने जब लिखी तो उसमें उन्होंने एक बात को एक्सप्रेस किया। क्या एक्सप्रेस किया? कि एक छोटी सी बच्ची के विचार को। और वो विचार क्या? वो ये कि अमांडा नाम की एक बच्ची है जो अक्सर अपनी माँ के द्वारा गलतियों पर टोके जाने के कारण उसके जो थॉट उत्पन्न होते हैं, वो क्या सोचती है बार बार उसकी मम्मा उसको टोकती है उसके मिस्टेक्स पर, तो उस थॉट को प्रेजेंट किया है इस पोएट्री, अमांडा की पोएट्री से, बाय रॉबिन क्लेन ने। और वो बातें जिस पर उसकी माँ उसको टोकती थी, वो क्या था? वो था उसके मिस्टेक्स। और वो मिस्टेक्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट इन द सोसाइटी इन विच वी लिव। और ये वो उसके गलतियां थी जो सोसाइटी में बहुत प्रॉपर नहीं माना जाता, कि कोई बच्चा अगर इस तरह की गलतियां करती है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको मानता है कि ये व्यवहार या फिर इसको तरीका नहीं आता है प्रॉपरली जीने का। तो आइए, लेट अस गो थ्रू द पोइट्री कॉल्ड अमांडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, दैट इज स्टैंजा के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहानी पोइट्री की स्टार्ट होती है इस तरह से कि उसकी मामा अमांडा को कहती है, टोकती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इस स्टैंजा में पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमांडा, एक छोटी सी बच्ची, हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, वो हमेशा अपनी माँ के द्वारा पॉइंट आउट कर दी जाती है, टोकती जाती है अपनी गलतियों को कर जाने के कारण, मानिए वो बच्ची गलतियां करती होती है और माँ उसको टोक देती है, इंटरप्ट करती है, ऑब्जेक्ट करती है। और तब वो एक इमेज करती है अलग लाइफ की जिसमें वो होती। कौन इमेज करती है? अमांडा इमेज करती है। द पॉइंट इज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमांडा फॉर बाइटिंग नेल्स, नाखून काटना। हम आप जानते हैं बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है, कभी कोई बात हो तो नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो नेल बाइटिंग के हैबिट को रोकने के लिए टोकती है क्योंकि अमांडा नेल बाइटिंग की आदत में थी। और फिर दूसरे बार वो टोकती है कि अमांडा यू शुड स्ट्रेट सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग योर शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर को बिना झुकाए बैठने के पोस्चर प्रॉपर रखे। अमांडा हु हैज हैबिट ऑफ बेंडिंग अ शोल्डर एंड सिटिंग लेजीली, उस पर भी माँ उसको टोक देती है कि राइट पोस्टर पे बैठो, सही होकर बैठो। एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, जब अमांडा को ऐसी दोनों परिस्थितियों में मां के द्वारा जब टोका जाता है अपने आप को सुधार करने के लिए, तो शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी, तो वो इमेजिन करते कि वो ना एक बहुत ही गहरे सागर में नीचे तह में है, तल में, ठीक है। She says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea. वो feel करती है, imagine करती है और कहती है कि वो चाहती है कि वो एकमात्र उस गहरे सागर समुद्र के तल में रहने वाला जीव बने। She imagines herself like a mermaid who is alone there and lets her life a very relaxing way. वो feel करती है कि वो एक mermaid है जो उस बेड ऑफ द सी में अकेला अपना जीवन व्यतीत करे, कोई इंटरप्शन ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। शी सेज दैट शी वांट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देयर। और तब वो कहती है कि वो महसूस करना चाहती है कि वो वहां अकेले रहे, कोई उसे टोके नहीं, और पानी के लहरों में वो इधर उधर घूमे और एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में अपने आप को रिलैक्स फील करे। तो ये पहला स्टैंजा जो पोएट्री का था, उसमें अमांडा के माँ दो बार दो चीज़ों को ऑब्जेक्ट की, अमांडा को इम्प्रूव करने का, एक नेल बाइटिंग का और दूसरा सिटिंग पोस्चर का। तो अमांडा किस थॉट पे चली गई, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट इज, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा,
I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. This is the second stanza of the poem. Isme, the poet says that Amanda's mother is again interrupting her, asking her, क्या उसने अपना होमवर्क किया है. उसने मीन्स कौन, अमांडा ने. यानी मदर अब पूछती है अमांडा से कि क्या अमांडा ने अपना होमवर्क कर लिया है. एंड देन शी आस्क्स हर वेदर शी हैज क्लीन्ड हर रूम और नॉट. और तब लगे दूसरा सवाल पूछ जाती है कि क्या उसने अपने कमरे को ठीक से साफ सुथरा करके एडजस्ट किया है. बच्चों का कमरा का हम आप सभी जानते हैं किस तरह से होता है, तो उसको एडजस्ट करने की बात वो पूछती है. मोर ओवर शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज. और उससे भी बड़ी बात क्या कि अमांडा को जब उसकी मां शूज क्लीन करने की बात कहती है, तो क्योंकि मां अक्सर देखती है कि होमवर्क का सवाल, यानी कि शी इज नॉट डूइंग इट, क्लीनिंग द शूज शी इज नॉट डूइंग इट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रूम विच शी वॉज नॉट डूइंग. तो इस तरह से मां जब उसको इन बातों पे ऑब्जेक्ट करती है कि इसने ये तीनों काम को अंजाम दिया है या नहीं, लेकिन अमांडा जैसी मां की इन इंस्ट्रक्शन को सुनती है, इस बात को वो एज शी हियर्स शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन हु इज रूमिंग इन द स्ट्रीट. तो क्या फील करती है, वो ये फील करती है कि वो एक ऑर्फन है, अनाथ है और सड़क पे अकेले यूं ही भटक रही है. ओके, दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड नॉट हैव विद शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स हु वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट. वो क्या महसूस करती है इससे, इसे वो महसूस करती है कि वो एक अनाथ है, ऑर्फन है, माता पिता नहीं है, क्योंकि माता पिता नहीं होंगे तो टोकेंगे नहीं, और कोई ऑब्जेक्शन के बिना वो सड़क पे रोड पर अकेले टहल रही है, भटक रही है फ्रीली विदाउट एनी गाइडलाइंस ऑफ एनी पेरेंट्स. शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विथ हर अनकवर्ड फुट वेरी क्वाइटली. वो सोचती है कि कितना अच्छा होता वो सड़क पे यूं ही अकेले भटकती बिना माता पिता के, अनाथ की तरह, और सड़कों पे अपने खाली पैरों से रेत पर कोई ना कोई निशान बनाती रहती. ये उसके इमेजिनेशन में आने लगा. इसे ये पता चलता है कि व्हेनेवर मदर ऑब्जेक्ट हर फॉर डूइंग मिस्टेक्स शी ऑलवेज गोज अपोजिट टू इट. यानी माँ के थॉट के एकदम अपोजिट पे चली जाती है, वो एकदम उल्टा सोचना शुरू कर देती है. Her mother wants her to keep everything neat and clean. जबकि यहाँ पर उसकी माँ हमेशा चाहती है कि अमांडा नीट क्लीन रखे हर चीज को, खाली पैर ना खेले ताकि उसके पैर में डस्ट ना लगे. लेकिन अमांडा क्या सोचती है कि वो खाली पैर रहे और माँ के थॉट का उल्टा करे. यानी माँ wants to make Amanda understand to be in neat and clean mode, but she just think opposite of what her mother thought about. She says that silence is golden, which means that silence is very crucial and precious. जब माँ इस बात को टोकती है, बार बार इंस्ट्रक्शन देती है, तो वो फील करती है कि काश यार साइलेंस रहती, साइलेंस कितना अच्छा होता है बिना शोर शराबा डिस्टर्बेंस का, कोई टोकने वाला नहीं. साइलेंस इज नोबडी ऑब्जेक्ट, नोबडी शुड ऑब्जेक्ट अमांडा. साइलेंस मीन्स विदाउट एनी पेरेंट्स एडवाइसेस एंड ऑब्जेक्शंस. She further says that freedom is sweet. फिर वो सोचती है कि आजादी कितनी अच्छी चीज होती है. यानी she is bounded by her mother guidance. और वो इसके विरोध में थी. वो चाहती थी कि कोई उसको टोके नहीं, means silence. कोई उसको guide करे नहीं, यानी आजादी. This means that she never feel free when she is with her mother. जिसे ये महसूस करती है Amanda, according to the writer Robin Klein, ki whenever mother objects her, she seems that she is not free. She is always guided. She is always interrupted by someone. That is why she thinks that she is in that zone, that is of an orphan. Let us go to the third stanza. Third stanza mein Robin Klein ne kya likha? Don't eat that chocolate, Amanda. Remember you acne. Amanda, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. जैसी माँ ने ये बात कहा, I am Rapunzel. I have not a care. Life in a town is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. जैसे ही ये बात कहती है उसकी मामा इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में, जैसे ऑब्जेक्ट करती है अमांडा को कि वह अक्सर चॉकलेट ना खाए, यानी वो टोकती है, मना करती है.
उससे क्या होते हैं, पिंपल्स, एक्ने आ जाते हैं मीठे खाने से। ये इस बात को लेकर माँ अमांडा के इस ओवर ईटिंग ऑफ चॉकलेट की आदत को टोकती है, रोकना चाहती है। एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर, बाद में वो उसको स्कोल्ड करती है कि तुम जब तुम्हें कुछ कहा जाता है तो तुम मेरे तरफ अटेंशन क्यों नहीं देते हो। कई बार होता है ना कि मम्मी पापा कुछ कहते हैं और बच्चे कहीं और ध्यान रखे हैं, तो उसमें इरिटेट फील करते हैं पेरेंट्स। तो अमांडा की माँ भी, शी माइट गॉट इरिटेटेड एंड शी सेज हर कि व्हाई डोंट यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। एट दिस मोमेंट अमांडा इमेजिन्स, लेकिन जैसे ही ये सब बात उसकी माँ कहती है, अमांडा फिर इमेजिनेशन की जोन में चली जाती है और वो इमेजिन करती है वो एक रैपुंजल है। रैपुंजल एक फेरी टेल यानी परियों की कहानी की एक कैरेक्टर है जिसको किसी जादूगरनी ने पकड़ के टावर पे ले गई थी और वहां पे उसको कैप्चर करके रख दिया था। और वो टावर पर चढ़ जाती थी जो विच थी यानी कि जादूगरनी थी। और वो कैसे चढ़ती थी, तो लॉन्ग हेयर, रैपुंजल का जो लॉन्ग हेयर था जो टावर से नीचे लटकता था उसके रास्ते वो चढ़ जाती थी, ठीक है, जो खिड़की का बाहर लटकता था। तो अमांडा अपने आप को रैपुंजल फील करती है बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इज इन अ टावर विल बी अ पीसफुल एंड अनयूजुअल। वो फील करती है कि काश वो रैपुंजल होती। तो उसी तरह से उसी विच यानी जादूगरनी के द्वारा वो उस टावर में कैद रहती, अकेले रहती और अकेला इंडिपेंडेंट लाइफ जीती विदाउट एनी इंटरप्शन एंड ऑब्जेक्शंस, ओके, पीसफुल लाइफ। शी थिंक्स दैट शी विल बी फ्री एंड लिव इन अ पीसफुल एनवायरमेंट इन द टावर एंड नोबडी कुड कम टू हर इन द टावर टू ऑब्जेक्ट फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। और वो ये भी सोचती है कि वो कभी भी अपने हेयर को उस टावर के विंडो से बाहर नहीं लटकाती। यानी कि फिर यहां पर हम एक बच्चे अमांडा के इमोशन को फील करते हैं कि मम्मा के ऑब्जेक्ट करने पर वो फिर ये फील करती कि काश वो टावर में रैपुंजल की तरह अकेले रहती जिसको एक विच ने वहां पर डाल दिया था, और वो हेयर्स को भी बाहर नहीं रखती जो कि एक फेरी टेल की कहानी है रैपुंजल की, जैसे कि कोई उसको टावर पर चढ़ के डिस्टर्ब करने ना आता। तो इस तरह से थर्ड स्टैंजा में भी हमने देखा अमांडा कैसे क्या फील की व्हेन मदर ऑब्जेक्टेड फॉर स्वीट्स। अब आगे की बात, फोर्थ स्टैंजा में चलते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, उसकी मां कहती है स्टॉप दैट सल्किंग वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। जैसी मां यह बात कहती है, अमांडाज मदर नाउ वार्न्स हर। इस स्टैंजा में क्या दिखता है हमें कि अमांडा की मां उसे वार्न करती है कि तुम ढंग से बिहेव करो, तुम्हारी बिहेवियर बहुत खराब है, इट इज नॉट ऑफ अ गुड मैनर। शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड, और वो कहती है कि तुम ऐसी मेरी बातों को सुनकर यूं ही अपना मूड खराब मत करो, डोंट बी अपसेट एंड एंग्री ऑफ इट व्हेन एवर आई ऑब्जेक्ट यू फॉर एनीथिंग रॉन्ग। Moreover, इसके बावजूद, इसके अलावा उसकी माँ उसे ब्लेम करती है कि तुम एकदम अपने मूड को अनस्टेबल रखती हो। अनस्टेबल रखने का मतलब है कि whenever she gets something objected by parents, she becomes upset, sad, behavior changes. तो ये बात उसकी माँ उसे बताती है। She also scolded her saying that her behavior एक दिन कभी ना कभी, जिस तरह से अमांडा का बिहेवियर है, दैट हर बिहेवियर विल वन डे मेक पीपल थिंक दैट अमांडा वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग हैरस्ड बाय अ मदर। उसकी माँ कहती है कि तुम जिस तरह का व्यवहार करती हो कभी ना कभी लोगों को ये लगेगा, फील करा दोगी कि माँ के द्वारा या बच्ची हमेशा हैरस की जाती है, परेशान की जाती है, टॉर्चर की जाती है। सो हियर, यहां पर वी कैन से दैट अमांडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय मदर ऑन छोटी छोटी बातें जिस पर वो रिएक्ट करती है, और उसका रिएक्शन क्या होता है, वो इमोशनली अपसेट हो जाती है, और अपसेट होने का नतीजा क्या है कि उसकी माँ उसको डांटती है और ये कहती है कि इस तरह के बिहेवियर से दूसरे बच्चे या दूसरे लोग क्या समझेंगे कि यह बच्ची अपने माँ के द्वारा क्या की जा रही है, शी इज गेटिंग हैरेस्ड, शी इज गेटिंग टॉर्चर्ड। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यानी कि जो पोइट्री था अमांडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन गेट्स एंड। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी समराइज, व्हाट वी गेट इज दैट कि इन दिस फोर स्टैंजा पोइट्री में हमने देखा कि किस तरह से अमांडा की माँ अमांडा को उसके मिस्टेक्स पर जब भी, और वो मिस्टेक्स आपको लिस्ट कर लेने हैं, फर्स्ट स्टैंजा में किन किन बातों पर टोका, सेकेंड में क्या क्या थी, थर्ड में क्या था, और फोर्थ में क्या एडवाइस दिए, जब भी होती थी तो अमांडा अपने दूसरे तीसरे मोज
यानी कि मूड, यानी कि जोन, यानी इमेजिनेशन में चली जाती थी और वो फील करती थी कि शी वुड बी फ्री. यानी कि फाइनल निष्कर्षण यानी कंक्लूजन इज दैट कि व्हेनेवर मदर ऑब्जेक्ट अमांडा फॉर हर मिस्टेक, शी ऑलवेज थिंक्स दैट शी कुड बी फ्री विदाउट पेरेंट्स, इंडिपेंडेंट, सोल लाइफ, सिंगल लाइफ, स्पेंडिंग समवेयर इन द टावर. तो जिस तरह से पोएट्री गेट्स एंड व्हाट यू डू इज कि गो थ्रू द पोएट्री, रीड द पोएट्री, लिसन टू द वीडियो, वॉच इट एंड फाइनली write the summary, send it to the group today whenever the group will open. Okay, children, thank you. That's all for the day.